आज हम ये बहुत ही इजी और स्टाइलिश सर्कुलर टॉप बनाएंगे। इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है और आप इसे अपने दुपट्टे से भी इजीली बना सकते हैं। तो टॉप बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को लंबाई में 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह और अब इसे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। यहां से ये इसकी ओपन साइड है और यहां से ये जुड़ी हुई साइड है। अब हम यहां से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें शोल्डर का हाफ लेना है, तो मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब यहाँ से हम स्लीव की लेंथ लेंगे, तो यहाँ से ये पूरी स्लीव की लेंथ में ले रही हूँ 15 इंच। अब यहाँ से हम टॉप की लेंथ लेंगे, तो इस टॉप की रेडी लेंथ है 25 इंच, तो मैं 26 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना है एक्स्ट्रा। अब इस कोने से इस कोने तक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह देखिए हमें ये राउंड बनाना है और अब इसकी यहां से कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग कर ली है मैंने और अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसमें मैं बोट नेक बना रही हूं, तो नेक की चौड़ाई में ले रही हूं 4 इंच। और नेक की लंबाई ले रही हूं मैं 2.5 इंच। अब इस तरह नेक का शेप ड्रॉ करेंगे और अब इस नेक को कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारी कटिंग हो गई है और ये ओपन होने के बाद इस तरह दिखेगा। ये पूरा एक राउंड सर्कल कट हुआ है, मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले अब हम इसका नेक बनाएंगे। बनाने के लिए मैंने ये क्रॉस पट्टी कट की है, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और आगे से इसे फोल्ड करके यहाँ नेक के पास रखेंगे और पूरे राउंड में इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो पट्टी को हल्के हल्के खींचते हुए पूरे नेक में अटैच कर लेना है। इस तरह। और अब हमें नेक के पास छोटे छोटे कट लगाने हैं। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। तो ये देखिए नेक रेडी हो गया है। अब हम इसके नीचे लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ नीचे से मैंने इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है पूरे राउंड में। और अब इसके नीचे हम ये पॉम्पम लेस अटैच करेंगे। तो इसके नीचे इसे इस तरह रखेंगे और यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह हमें इस लेस को पूरे टॉप में अटैच कर लेना है। तो देखिए ये लेस अटैच हो गई है और ये टोटल 5 मीटर लेस अटैच हुई थी इस टॉप में। और अब हम इसकी साइड जॉइन करेंगे। तो इसके लिए आपको एक अपनी टी शर्ट लेनी है और इसे टॉप के सेंटर में रखना है बिल्कुल, और शोल्डर और नेक से इसे बराबर मिला लेना है। और अब यहाँ आर्म होल से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह देखिए दोनों साइड एक एक इंच का मार्जिन रखते हुए हमें फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड मार्किंग हो गई है और दोनों साइड हमें एक एक इंच की लूजिंग रखनी है। और अब यहाँ से नीचे तक हम दोनों साइड इसकी साइड ज्वाइन कर लेंगे। तो साइड ज्वाइन करने से पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि ये कपड़ा आगे पीछे ना हो। और अब दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमें सीधे में ही इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये साइड जॉइंट हो गई है और यहाँ नेक के सेंटर में मैंने एक डोरी अटैच की है। इस डोरी को हम इस तरह बांध लेंगे। तो अब ये टॉप हमारा रेडी हो गया है और ये है इसकी फाइनल लुक।